बहुत लोगों का तोड़ था, करीब 500 से ज्यादा लोगों का। क्या लड़ाई जीत गए? कलेक्टर यहाँ पर छोड़ा और फैक्ट्री चलनी नहीं, पैसा दिया नहीं, कलेक्टर की हिम्मत कहाँ जाओ, कब से तोल का है धर्म कांटे में ईर्ष्या करवाओ रिसीव भाई गन्ना अपना भारतीय शास्त्री के पुजारी हमारे ऊपर गोलियां चल रही वो आंसू गैस नहीं थे। सुना सुबह ही फिर यही आप अपना ये काम करो, हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। आप वहां कल है धरना आज नहीं, क्योंकि आज वहां कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के धरने, तो कल है, कल रहेंगे हम वही खेत में उसे रोकी रोकी देता है। तो क्या राम के बांधे वाले हम है या वो है जो खेत को राम के नाम का वोट। आज धरने चल रहे हैं, शुगर फैक्ट्री नहीं चल रही, गन्ने का भुगतान ये नहीं दे रहे, क्यों शुगर फैक्ट्री जब तक नहीं चलेगी भुगतान नहीं होगा। तो डीएम साहब यहाँ के ठीक आदमी है और प्रशासन ने ये कहा कि धर्म कांटे की तोल लगा के और आप गन्ना यहाँ पर डलवाना शुरू करें, तो कल से यहाँ पर गन्ना आएगा डीएम के यहाँ पे, यहाँ से शुगर फैक्ट्री को दे देंगे बाद में गन्ना। अभी बार मनाया जाएगा किसान क्रांति दिवस, क्योंकि उनका महात्मा गांधी का मनेगा और इधर ये किसान क्रांति दिवस मनेगा। 2 तारीख में महात्मा गांधी शांति के पुजारी और किसानों पे लाठियां चलाई, मतलब टीएस गैस दी थी अब की बार, उसका तो इंतजाम था हमारे पे, हमने बोरिया ले जा रखी थी पानी में भे भे के, वो उससे भी नहीं कंट्रोल हुई। इजराइल से कोई उन्होंने केमिकल बम मंगाए और वो उसका इस्तेमाल करा, जिससे आज भी स्वास्थ्य लोगों के ठीक नहीं है और करीब 3,000 से ज्यादा लोग अभी बीमार हमारे हैं। और वो सीधा जो लम्स है उसमें उसने अटैक करा, गलूपा अटैक करा, हमारे भी उसी से डिस्टर्ब है और बहुत लोगों को उसको डिस्टर्ब किया। जो भाई सरकार तो ये तो वैचारिक क्रांति है, एक क्रांति बंदूक से होती है, दूसरे विचार से होती है। तो बंदूक तो हम हथियार तो उठाई नहीं, हमने तो विचार दिया, या जनता अपने आप बता देगी, अगर यह खुश होगी तो वोट दे देगी, नहीं खुश होगी तो नहीं।